तुम कौन हो और आपोपी से क्या काम है यहाँ? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लापता है, मैं उसका रिश्तेदार हूँ। पहले अंदर तो चलो फिर बताते हैं। मुझे ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे किस लिए पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। वाह वाह, तुम माबदे आमून के काहिन हो या आपोपीस के रिश्तेदार हो? मैं उसका रिश्तेदार हूँ। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। जी अली जनाब। फौरन जाओ और जाकर अली जनाब पोतीफार की खिदमत में अर्ज करोगे कि दामून ने कहा है कि हमने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो आपोपीस को तलाश करते हुए यहाँ आया था। जाओ जल्दी करो। आपको हक नहीं पहुंचता कि मुझे यूं गिरफ्तार करें। मैं जनाब आखमाहू काहिन आजम से शिकायत करूंगा। अगर उनसे मिल पाओ तो जरूर करना। फिलहाल तो कुछ दिन तुम हमारे मेहमान हो। आप इस तरह मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं आप लोगों की निगहबान, इसे सामने की कोठरी में मुंतकिल कर दो। हरकत करो। कुबूनी है माबद आमून का काहिन और काहिन आजम अखमाहू का दस्ते रास। इसका आपोपीस से क्या ताल्लुक? अब मुझे पूरा यकीन हो चला है कि आमून होतब के कत्ल का मंसूबा माबद आमून की जानिब से बनाया गया था। ख्याल रहे कि कोई भी इससे राबता ना करने पाए और इसके बारे में कोई खबर बाहर निकलने ना पाए। अता जनाब, आपोपीस और बिना रूस को अकूबत खाने में लेकर आओ। फितरतों, खुदा की लानत, तुम्हारा सत्य नाश हो जाए। मुझ अहमद को देखो जो अपने शरीर के जुर्म के नाम तक को अपनी जबान पर नहीं ला रहा, लेकिन उन बेगैरतों को देखो, मेरी कोई परवाह ही नहीं उनको। बदबख्त, अगर कहीं तुम उनके हत्थे चढ़ जाते तो वो तुम्हें रास्ते से हटा देते ताकि तुम उनका नाम ना बता सको, और तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हें निजात दिलाएंगे। बाहर आओ, जल्दी करो। हमें कहां ले जा रहे हो? अभी पता चल जाता है, चलते रहो।
कि वो निकाहिन को तो जानते होगे ना? जी आली जनाब, महाबुद आमुन के काहिन है। किबूनी काहिन आज जिंदान के निगमानों से तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा था, क्यों? मुझे नहीं पता आली जनाब, मुझे क्या पता। जहन पर जोर डालो जी, शायद याद आ जाए कि बूनी बिला वजह तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा होगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं जना, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं कि तुम्हें याद आ जाए। मैंने कुछ नहीं किया जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दें, मुझे छोड़ दें, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे यकीन करें जनाब, जनाब पूरी बार मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, यकीन जानिए मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ दें मुझे, मुझे छोड़ दें जनाब पूरी बार। से किया था, पहले तो उसने इनकार कर दिया था क्योंकि वो डर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे राजी कर लिया, तय ये पाया था कि मैं परमरवा के खाने में जहर डालूंगा और बिना रूस उनके शराब में, सो मैंने वैसा ही किया, लेकिन बिना रूस ने ही नहीं किया, खाने की मेज पर उसकी घबराहट ने हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। अगर बिना रोज कुछ ना कहता तो किस्सा तमाम हो चुका होता। और तुमने क्यों अपना इरादा बदल दिया था और फरमारवा को इस साजिश से बाखबर कर दिया? क्योंकि मैंने सुना है कि मिस्र के फरमारवा मुकाम में नीम खुदाई रखते हैं, लिहाजा खुदा को मारा तो नहीं जा सकता ना अली जनाब, या मारा जा सकता है? इन्हें जल्दी जंदाने अमूमी ले जाओ, बस इन पर कड़ी नजर रखना, बाद में हमें इनकी बतौर गवाह जरूरत पड़ेगी। खैर है कि इन दोनों की यहां मौजूदगी की किसी को भिनक भी ना पड़नी पाए, मुमकिन है इनकी जान को खतरा हो। जी अरे जनाब, इसका क्या करें? इसे भी इसी तरह अभी कैद में ही रखो जब तक कि मैं फरमारवा से इसके मुताबिक कोई हुक्म ना ले आऊं। युजासिफ कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। युजासिफ को ले आओ। नहीं नहीं, मैं उसे दूर से देखना चाहता हूं। जी आली जनाब, मेरे साथ तशरीफ लाइए। तमाम कैदी और मुहाफिजान जिंदा उसे पसंद करने लगे। सभी युजारसीफ को पसंद करते हैं, लेकिन वो सबको पसंद नहीं करता।
जितना महरूमों और मजलूमों को अजीज और मोहतरम रखता है, जालिमों और सितमगारों से उतनी ही नफरत और बेजारी रखता है। वो हमेशा या तो दूसरों की खिदमत और मदद करने में मशगूल रहता है या फिर वाज़ो नसीहत करने में। इसके लिए मैंने बड़े ख्वाब देखे थे लेकिन पूरे ना होने दिए गए।